राम राम जी आप सबको आपका मेरे चैनल पर स्वागत है आज मैं आपको ये डिजाइन बना के दिखा रही हूँ आप इसको बच्चे के कार्डिगन में डाल सकते हो जेंट स्वेटर में जैकेट में कैप में कहीं भी डाल सकते हो एक डिजाइन ये तेरह फंदे का है जो हमने यहाँ पहले सिलाई में शुरू किया था अब वही सिलाई आ रही है पहले हम बॉर्डर बना के एक सिलाई ये पहली बार बनाएंगे एक सीधी एक उल्टी आगे नहीं बनाएंगे ये सिलाई पहली बार बनाएंगे एक ही बार बनाएंगे यहाँ ये कोने वाले को ऐसे उतार लेंगे फिर एक फंदा सीधा ये एक फंदा हमारा डिजाइन का है फिर अपनी तरफ धागा करके एक दो तीन चार पाँच सात, आठ नौ दस और एक ग्यारह ग्यारह फंदे उल्टे फिर उधर उगा करके दो फंदे सीधे फिर ग्यारह फंदे उल्टे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एक फंदा यहाँ से ऐसे बढ़ा लेंगे ग्यारह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह फंदे उल्टे दो फंदे सीधे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह फंदे उल्टे हो गए फिर एक ये कोने वाले को हमें ऐसे कोने वाले को एक एक फंदे की ओर ज़रूरत है दो दो यहाँ आंकोड़े पे सीधे हो गए दो यहाँ आंकोड़े पे सीधे हो गए फिर उल्टी सिलाई बना लेंगे सारे फंदे उल्टे ये एक ही बार बनाएंगे ये दो सिलाई एक सीधी और एक उल्टी बेस रो है ये दो सिलाई अब डिजाइन शुरू करेंगे पहली सिलाई से अब पहली सिलाई आ गई हमारी ये कोने वाले को बनाओ खाली उतारो जैसे करो अपने हिसाब से कर लेना फिर एक फंदा सीधा फिर अपनी तरफ धागा करके ऐसे जाली बना लेंगे चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार अब ये ग्यारह फंदे थे हमारे चार उल्टे हो गए जो उल्टे फंदे हैं चार उल्टे बना के फिर तीन का एक बना देंगे अब जो यहाँ दो फंदे घटे हैं एक फंदा यहाँ बढ़ा लिया हमने शुरू में एक फंदा आगे बढ़ाएंगे फिर चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार जो ग्यारह फंदे हमने उल्टे बनाए थे अब वो नौ बच गए हमारे दो फंदे घटा दिए बीच में एक फंदा यहाँ बढ़ा दिया अब एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे जो दो सीधे फंदे हैं ऐसे जाली बना लेंगे एक फंदा बढ़ा लिया फिर एक और सीधा बना के फिर अपनी तरफ धागा करके एक फंदा ये वाला फंदा जो यहाँ घटाया था यहाँ बढ़ गया अब ये फंदा जो बढ़ा रहे हैं यहाँ घटाएंगे ऐसे जाली बना लेंगे एक दो तीन चार चार फंदे उल्टे फिर तीन का एक जो यहाँ फंदा बढ़ाया हमने पहले फिर एक यहाँ घट गया एक और बढ़या घटाया जो वो यहाँ बढ़ा देंगे एक दो तीन एक दो तीन चार फिर तीन का एक फिर एक दो तीन और एक चार अब जो यहाँ एक फंदा और बढ़ा देंगे यहाँ पूरा हो गया डिजाइन हमारा एक फंदा जाली बना के सीधा फंदा यहाँ कोने पे सीधा फंदा बना के जाली बना दी यहाँ कोने पे आधा डिजाइन यहाँ हो गया आधा डिजाइन यहाँ हो गया ये डिजाइन इस डिजाइन के साथ पूरा, गया। के साथ पूरा गया। हो गया जो यहाँ दो फंदे बढ़े ये इसके साथ पूरा हो गया दो डिजाइन हमारे पूरे हो गए कोने पे हमने ये आधा आधा चलाना पड़ेगा जैसे यहाँ बीच में दो फंदे सीधे थे यहाँ कोने पे एक सीधा हो गया था अब आगे दूसरी सड़ाई उल्टी सड़ाई सारे फंदे उल्टे बना लेंगे अब तीसरी सिलाई आ गई सीधी सिलाई आ गई पहले हमने पहली सिलाई में एक फंदा सीधा बना के जाली बनाई थी अब जो जाली बनाई थी वो फंदा भी हमारा सीधा हो गया दो फंदे सीधे फिर अपनी तरफ धागा करके जाली बना लेंगे एक दो तीन अब की बार तीन उल्टे बना के फिर तीन का एक करेंगे पहली सिलाई में चार उल्टे बना के फिर किया था एक, -एक फंदा कम हो रहा दोनों साइड से साथ में बढ़ा रहे हैं बीच में कम कर रहे हैं साथ में बढ़ा रहे हैं दोनों कोणों पे दो तीन अब यहाँ पहले दो फंदे थे सीधे अब चार हो गए अब जाली ऐसे बनेगी अब ये सारे फंदे जितने हैं बीच के सीधे हो, हो गए फिर अपनी तरफ धागा करके जाली बना देंगे और तीन फंदे उल्टे ये डिब्बी बंद हो रही है ये सीधे बना रहे जो जाली बना के दोनों तरफ ये ऐसे खुल रही है ये बंद हो रही है एक दो तीन तीन उल्टे हो गए अब फिर बीच में तीन का एक बना देंगे फिर तीन उल्टे एक दो तीन फिर जाड़ी बना के सीधे फंदे दो बना दिए कोने वाले को भी सीधा अब चौथी सड़ाई आ गई उल्टी सड़ाई आ गई सारे फंदे ऐसे उल्टे बना लेंगे उल्टी सड़ाई सारी स्तर उतरेंगे ना कोई घटेगा ना कोई बढ़ेगा। अब आगे पांचवी सड़ाई, सीधी सड़ाई एक दो तीन तीन फंदे सीधे फिर अपनी तरफ धागा करके जाली बना लेंगे एक दो अब की बार दो फंदे उल्टे बना के फिर तीन का एक करेंगे फिर दो उल्टे फिर जाली बना के एक दो तीन चार पाँच छ और फिर अपनी तरफ धागा करके जाली बना दी ये सातवीं जाली होगी एक जाली यहाँ थी अब आठ फंदे हो गए यहाँ बीच में एक दो फिर तीन का एक फिर दो फंदे उल्टे फिर ऐसे जाली बना देंगे जितने रहे हैं इतने ही साथ में बढ़ा रहे हैं अब छठी सड़ाई आ गई उल्टी सड़ाई आ गई सारे फंदे उल्टे बना लेंगे अब आ गई सातवीं सिलाई, सीधी सिलाई। एक दो तीन चार चार फंदे सीधे फिर जाली बना के एक फंदा उल्टा फिर तीन का एक फिर एक उल्टा अब ये तीन फंदे बच गए हमारे उल्टे फिर जाली बना के एक जाली वाला दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और एक जाली ये दस दस फंदे सीधे हो गए तीन फंदे हमारे यहाँ उल्टे हो गए फिर एक उल्टा फिर जाली बना देंगे एक दो तीन चार और एक ये जाली वाला पाँच दोनों कोने पे पाँच पाँच सीधे हो गए बीच में दस सीधे हो गए अभी ये छठी सड़ाई थी अब आ गई सातवीं सड़ाई नहीं सातवीं थी ये अब आठवीं आ गई दस सड़ाई का डिजाइन है ये भाई सड़ाई गिनने में कई बार ध्यान नहीं रहता, दस सड़ाई का डिजाइन है ये सड़ाई आप ध्यान से गिन लेना कई बार गलती हुआ है अब आगे आठ आठ सड़ाई होगी ये अब आगे नौवीं नौ सड़ाई एक दो तीन चार पाँच ये छः फंदे सीधे हो गए अब तीन का एक बना देंगे फिर जाली बना देंगे अब ये सारे फंदे बीच के सीधे हो गए फिर अपनी तरफ धागा करके जाली बना देंगे और तीन का एक बना देंगे जाली नहीं बनाई यहाँ ऐसे जाली बना लेंगे और तीन का एक बना लेंगे फिर एक जाली यहाँ बना देंगे। अब बीच के ये सीधे फंदे बारह फंदे हो गए ये फंदा एक हो गया वही तेरह फंदे का डिजाइन हो गया फिर ये दसवीं सड़ाई उल्टी सड़ाई सारे फंदे ऐसे उल्टे बना लेंगे ये दस सड़ाई का डिज़ाइन है देखो ऐसे बनेगा अब फिर हम पहली सड़ाई से शुरू करेंगे यही दस सलाई हम बार बार बनाएंगे तो हमारा ये डिजाइन बनेगा हाँ जी मेरा डिजाइन पसंद आए और बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना